गर्मी ही सही तो, अरे ठंड में छुप जाता है। बाकी ठीक है, आप लोगों को पता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। मोटा था ये, यहाँ पर था यहाँ, हाँ तो मैं उस किया के लगाया था, तो बोला मैं कुमार आज जा रहा हूँ, हाँ मेरा दोस्त है वो आके पकड़ लेगा मुझे। आज एक ही मतलब 3-4 घंटे में ही ना 4-5 जगह से कॉल आ गया, उलझ गया थोड़ा सा। ठीक है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाएगा अपने आप ही। लज गए क्या? क्या था ये? तो ये रसल्स वाइपर था, ठंड के दिनों में काफ़ी ज़्यादा दिखता है। हल्की गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है हमारे एरिए में, तो लोगों का कहना था कि ये रोड पर घूम रहा था, तो भगाने की कोशिश भी किया गया था इसे, लेकिन ये डर के मारे या डर की वजह से ही घर के अंदर आ गया। तो लोगों ने सेफली इसे दूर से ही देखना प्रेफर किया और हमें कॉल किया, जैसे हम यहाँ पे आ रेस्क्यू कर चुके हैं। अभी इसे रिलीज पे जल्द से जल्द इसे रिलीज कर देते हैं, ताकि ये भी टेंशन फ्री हो जाए और हम भी टेंशन फ्री हो जाए। रेस्क्यू करके दोस्तों हम फॉरेस्ट एरिया में आ चुके हैं इसे जल्द से जल्द रिलीज करने के लिए। सांपों को उस समय ही रिलीज़ करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो भी पैनिक मोड में चले जाते हैं, टेंशन उनको भी रहता है, काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं अगर बोला जाए तो। पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो जिस लोकेशन से आप रेस्क्यू करते हैं उससे अगर 1.5 से 2 या फिर ज़्यादा ज़्यादा 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आप इसे रिलीज़ करते हैं, तो उसके लिए एक ऐसा क्लाइमेट मिल जाता है जहाँ वो अडप्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप 50-60 किलोमीटर दूर जाकर रिलीज़ करते हैं तो सांपों की मौत हो जाती है उससे, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो रहता है टोटली डिफरेंट रहता है। और दोस्तों हमने पहले बताया था कि ये है रसल्स वाइपर, और सर्दियों के दिनों में मोस्ट ऑफ द मतलब मोस्टली यही निकलता है। अभी हल्की धूप भी है, दोपहर का टाइम है, तो ये चार्ज्ड अप भी है, तो जल्द से जल्द इसे रिलीज़ करते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि सूटेबल हैबिटेट नहीं होती है, कई रेस्क्यूअर्स का ये सवाल रहता है कि भाई अगर ऐसा नहीं हो पाए तो क्या करना चाहिए। तो भाई सूटेबल हैबिटेट आप ढूंढिए, 70-80 किलोमीटर जाके नहीं, लेकिन थोड़ी दूर पे तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसे दोस्तों तुरंत ही मनोज जी ने रिलीज़ कर दिया, और देखिए कितने ज़्यादा डिफेंसिव पोस्चर इसने रखा है। पोस्चर तो क्या, डिफेंसिव अप्रोच इसका, बहुत तेज़ ये हो चला है, बहुत तेज़ी से ये जा रहा है, आप देख रहे हैं इसे। और अगर और जूम इन करके दिखाएं मनोज जी, ये जो पैटर्न दिख रहा है, एक मैंने हालिया दिनों में सवाल देखा था कि क्या वाइपर्स में जो चेन पैटर्न या जो गोल धब्बे बने होते हैं वो बचपन से या फिर जन्म से ही होते हैं या फिर एक स्टेज के बाद ही आते हैं? जी, इनका जो पैटर्न जो रहता है वाइपर्स का, अगर रसल्स वाइपर या चेन वाइपर की बात की जाए, तो ये जब पैदा होते हैं तब से ही, जन्म के वक्त से ही इनके ऊपर पैटर्न रहता है। ये एक डिस्टिंक्ट पैटर्न रहता है जो हर एक सांप में अलग होता है, और वाइपर को पहचानने के लिए बहुत अच्छी आइडेंटिटी के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि एक सर से लेके पूंछ तक एक चेन या सर्कुलर जैसा मार्क बना रहता है, जिससे आप इजीली वाइपर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा मनोज जी, ये मौका था, आप शो ऑफ कर सकते थे, शूट हमने करने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं हमारा ध्यान शूट पे नहीं था, लेंथ स्क्रीन पर नहीं था अगर ये कहें कैमरा की, तो उतना अच्छे से ये कैप्चर नहीं हो पाया। लेकिन आपके पास एक अच्छा मौका था कि आप जो हैं गाँव वालों के प्रति या फिर गांव वालों के नज़र में एक अच्छी इमेज बनाए भाई कि आप एक शानदार रेस्क्यूअर हैं, आप डरते नहीं हैं। जी, हमारे टीम की यही पॉलिसी है कि हम इमेज बनाने के बारे में नहीं सोचते, हम सबसे पहले उस सांप को सेफली रेस्क्यू के करने के बारे में मेन हमारा प्रायोरिटी रहता है। कि हम दो हैं अभी फ़िलहाल, तो हमारा काम यही रहता है कि वीडियो अगर बन पा रहा है तो उस केस में वीडियो बने, लेकिन साथ साथ ये भी रहे कि उस सांप को किस तरीके से सेफली बिना किसी डिस्टर्बेंस के या परेशानी के उससे रेस्क्यू किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो वहाँ पे जो फैमिलीज जो रहते हैं उनको भी साथ साथ उनको बताते चले, अवेयर करते चले। हमारा काम, हमारा मोटो हीरो बनने का नहीं है, हम शो ऑफ नहीं करते, हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं सांप के रेस्क्यू के लिए, और जो फैमिली वहाँ रहते हैं उनके सेफ्टी के ऊपर हमारा।
प्रायोरिटी रहता है। तो दोस्तों यही टीम एजियन का प्रयास रहता है, और एक्चुअल में स्टैंडर्ड अगर आप एसओपी देखें तो वो भी यही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स जो है वो भी यही कहते हैं कि भाई आप जल्द से जल्द रेस्क्यू करें और उसे इस तरह के सूटेबल एनवायरनमेंट में रिलीज़ करें। हमारे यहाँ के फॉरेस्ट बहुत शानदार हैं दोस्तों, और अगर आप इसी तरीके के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीम एजियन प्रकृति और हम। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।